आज विजयवाणी में मैं सेंटर शूट का जो जिंगल है जो मैंने रिकॉर्ड किया था बरसों पहले, इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये बहुत ही एक कल्ट फॉलोइंग है इस जिंगल की। जब भी कुछ यू नो करंट अफेयर्स में कुछ हो जाता है तो उसको एडिट करके ना ये जिंगल पे लोग मैच करके ना इधर उधर सर्कुलेट करते हैं और मुझे कई बार आता है और बहुत लोगों को पता नहीं था कि मैंने गाया हुआ जिंगल है। हाल ही में लोगों को पता चला, अच्छा ये विजय प्रकाश ने गाया करके। इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी लगभग पता नहीं शायद 10 साल तो शायद हो गए होंगे। तो सेंटर फ्रूट का जो एड रिकॉर्डिंग हमने किया था फेमस महालक्ष्मी ना, अमर बंगरुलकर इसका म्यूजिक डायरेक्टर थे और राजेश कृष्णन जिन्होंने हाल ही में क्रू फिल्म बनाई थी वेरी डियर फ्रेंड और वो थे इसका डायरेक्टर। एंड ही केम अप विद दिस आइडिया। जुगलबंदी चल रही है एक तबला और एक वोकल्स के बीच में और सिंगर ऐसे गाते 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 ऐसा कुछ जीव लपलपाए इसमें घुसना था। तो मैंने शुरू किया मागा माजा, तो तबले वाले ने करेक्ट था ऐसे कुछ बजाया ऐसे तबला थोड़ा बजाने लगता है। देन जुगलबंदी शुरू होता है सरगमा मगधरी करके। अब तक आप देखते होंगे कि यू नो तबले वाला मतलब ऐसा राइट हैंड से बजा रहे हैं और लेफ्ट हैंड से ऐसे बाल वाल बना रहे हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल हो गया। तो अभी सिंगर को कुछ ऐसा धमाका करना था तो सिंगर सेंटर फ्रूट ऐसी जीभ लपलपाई करके उधर घुसता है। एंड मैंने भी थोड़ा सा उसको ये सरगम भी जो मैंने गाया था स्ट्रेट नहीं गाया था, मागा मासा ऐसा नहीं गाया, मागा मासा और उसमें थोड़ा ह्यूमर। अभी क्लासिकल अंदाज में अगर गाते हैं सा 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 ये क्लासिकल अंदाज हो गया, पर अभी थोड़ा जिंगल में उसको एक सिचुएशन के हिसाब से गधा ऐसा यूज किया, मतलब उसको थोड़ा खींच रहे ऐसी जीप लपलपाई सेंटर फ्रूट। मेरा जो करियर में एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई वुड हैव संग अबाउट 3000 जिंगल्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम मराठी गुजराती बंगाली ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में। उस दिनों में मैकडोनल्ड्स वॉज लॉन्च्ड, मैकडोनल्ड्स का सबसे पहला जिंगल मैंने रिकॉर्ड की थी मैकडोनल्ड्स में है कुछ बार और पेप्सी के कुछ ये दिल मांगे मोर आहा University. एक ऐसी स्कूल है जहाँ पर आपको ना 30 सेकंड में एक्सप्रेशंस देना होता है। तो एडवर्टाइजिंग हैज गिवन मी व्हाट आई डू कंफर्टेबली इन मूवीज इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। तो आज विजयवाणी में मैंने जो मेरे एडवर्टाइजिंग करियर के कुछ जिंगल्स के बारे में मैंने बात किया, खास करके सेंटर फ्रूट का जो मागामा था उसके बारे में मुझे कहनी थी। सो स्टे ट्यून्ड विजयवाणी में और भी मैं बहुत सारे किस्से आपको मेरे बारे में मेरे लाइफ में जो जो भी हुए दैट आई विल कीप शेयरिंग विद यू गाइस। सो स्टे ट्यून्ड, मत्ते सिगोना फिर मिलेंगे।